हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 21 भी, इसमें ये बताया गया है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो पिटीशंस फाइल की जाती हैं उसका ट्रायल या डिस्पोजल किस तरह से और कितना जल्दी किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो पिटीशंस होंगी उनका जो ट्रायल है वो डे टू डे बेसिस पर होना चाहिए। अगर जरूरत ऐसी पड़ती है कि किसी कारण से एडजस्टमेंट करना जरूरी है तो ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट ऐसे जो कारण होंगे वो लिखेगा या वो देगा। इसके अलावा जब भी ऐसे मामलों में रिस्पोंडेंट को जब नोटिस हो जाता है उसके बाद ट्रायल कोर्ट की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो मामले हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है उनका निस्तारण हो सके, वो कंप्लीट हो सके। जहां तक अपील की बात है, अपील में जो मामले हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो 3 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लीट की करने की अपील कोर्ट की कोशिश होनी चाहिए। तो ये प्रोसीडिंग्स के मामले में, यानी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो केसेस होते हैं वो जल्दी से जल्दी निपटाए जा सके, जल्दी से जल्दी वो उसमें ट्रायल कंप्लीट हो सके, उसके चलते हिंदू मैरिज एक्ट में जो है अमेंडमेंट किया गया था और अमेंडमेंट कर करके इसमें जो है धारा 21 भी जोड़ी गई थी।